हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। पिछले सेशन में हमने जो है कनकेव स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था, आज हम लोग देखेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन होता है बहुत माइनर होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेनली जो है दो ही होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। तो देखें कैसे बनता है, ये हो गया आपका कॉनकेव कॉनवेक्स स्फेरिकल मिरर। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होगी वह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हमेशा ध्यान रखें क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद यह कहां मिलेगी, वर्चुअली फोकस पर मिलेगी, इधर चली गई और इधर चली गई, देखें क्लियर। तो आकर रिफ्लेक्टेड रे या डाइवर्ज हो गई, अलग अलग दिशाओं में चली गई। मान लीजिए कि एक्स वाई एक जो है कन्वेक्स मिरर है और इस पर जो है ना दो रेज इंफिनिटी से आती है, तो देखें ये दोनों ही रेज रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग दिशाओं में चली गई, और ये रेज परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वापस अपने इसी रास्ते लौट जाती है। तो ये भी पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहां आकर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो इमेज जो बनता है ना, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिस लाइक ए पॉइंट। नेचर क्या हो गया, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट होगा। पोजीशन कहां होगी, एट फोकस पर, मिरर के पीछे पर, ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरी जो पोजीशन है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट When object is between infinity and pole। अब देखिए ये जो है मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है आपका, ये आपका पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लिया जाए, सपोज दैट एक्स वाई इज ए कन्वेक्स मिरर, पी इज द पोल, एफ इज फोकस एंड सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑब्जेक्ट सपोज दैट ए बी परपेंडिकुलरली है ना इज स्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन पोल एंड द इंफिनिटी। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा,
एक रेज तो पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, तो यह कहां से होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, तो ये चली गई आपका इधर रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर यह कहां जाती है, फोकस पर जाती है, ठीक है। दूसरी रेज हम इंसिडेंट कराते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज परपेंडिकुलर होती है तो वापस उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाती है, दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को यहां मिलते हैं, ठीक है, तो ये होता है ए डैश बी डैश, ठीक है, ये आपका इस ए बी का इमेज बना, तो साइज क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ना, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन कहां हो गई, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, तो हम देखें तो कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, किसके पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, एक इन्फिनिटी पर और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी देखें, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां जो भी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी पोल, u जो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पोल, और f जो होता है फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं यानी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दी फोकल। अब जरा देखें इसको, हम एक चार्ट के रूप में पहले इसका हम साइन देख लेते हैं, तब मिरर ऑफ फॉर्मूला डिराइव करें, देखें ये है U, ये है V, ये है, ठीक है, ये हो गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये हो गया कॉनवेक्स स्फेरिकल मिरर, U जो है कॉनवेक्स मिरर में हमेशा निगेटिव होता है, कॉनकेव में भी निगेटिव होता है, ठीक है, V जो है कॉनवेक्स मिरर में हमेशा निगेटिव होता है,
ठीक है, और यह हमेशा पॉजिटिव होता है। भी कनकेव स्फेरिकल मिरर में पॉजिटिव व्हेन द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं इसको, पॉजिटिव व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और, ठीक है, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में होती है। एफ हमेशा इसमें निगेटिव होता है, चाहे वर्चुअल बने या रियल बने, ठीक है, और इसमें एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, ये इनकी साइन क्या होती है, यू की साइन क्या होगी, भी की साइन क्या होगी, यानी भी की साइन हमेशा नेगेटिव होगी, लेकिन सिर्फ एक पोजीशन में पॉजिटिव होगी, व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉल। एफ की साइन हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में यू की साइन हमेशा नेगेटिव होती है, भी की साइन पॉजिटिव होती है, और भी एफ की साइन भी पॉजिटिव होती है। क्लियर, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। कल हम लोग इन द नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिराइव करेंगे स्फेरिकल फॉर्मूला को, स्फेरिकल फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, और तब उसके बाद मैग्निफिकेशन एंड देन यूजेज ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये अभी हम लोग अभी तीन स्टेप पड़ा बाकी है हमारा इस चैप्टर में, अभी एक डिराइवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला, दूसरा मैग्निफिकेशन, एंड द थर्ड इज यूज ऑफ द स्फेरिकल एंड कॉन्वेक्स मिरर, और तब उसके बाद इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन थैंक्स।